नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि सेलियक डिजीज़ क्या होती है। अगर थोड़ा बहुत फिटनेस में रहते हो तो आजकल इस बीमारी के बारे में भी नाम तो सुन ही लिया होगा इसका, सेलियक डिजीज़, सेलियक। ये एक बीमारी है जो कि ग्लूटेन, जो लोग ग्लूटेन, जो कि मैंने बताया था कि गेहूँ में, जौ में जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेन खाने से लोगों को दिक्कत होती है, और इतनी दिक्कत होती है कि काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस बीमारी का नाम है सेलियक, जिसमें लोगों को गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो खाने की से दिक्कत होती है, गेहूं में जो प्रोटीन होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जो ग्लूटेन आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होता, जो ग्लूटेन आपके खाने में आ रहा है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो पचता नहीं है और आपको शरीर में दिक्कतें देता है। कैसे दिक्कतें देता है, आपको दस्ते लग सकती है, आपको बहुत कमज़ोर महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं मिल रही, आपको गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अजीब सा लग सकता है, पेट में जलन सी महसूस हो सकती है, भूख लगनी बंद हो सकती है, खाना पचना बंद हो जाए, खाने का जो रस बनता है, जो हमारी आंतें सोखती है वो रस हमारी आंतें सोखना कम कर दिया, मतलब वो रस ढंग से सोख ना पाए। बच्चा है अगर, तो बच्चे कि जैसे बढ़ने की उम्र होती है तो बच्चा बढ़ना बंद हो जाए, वो जितना है उतना ही दिखने लग जाए, फिर कोई जैसे कई बार होता है कि बच्चा जितना है उतना ही दिख रहा है, कई महीने कई साल हो गए वो बढ़ ही नहीं रहा, उल्टा कई बार बच्चे और सिकुड़ने लग जाते हैं, मतलब और कमज़ोर दिखने लग जाते हैं। तुम्हारे बच्चे की अगर जैसे अगर बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को सीलिएक ही है, ये ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत कारण हो सकता है, ढंग से खाता नहीं हो या पाचन क्रिया खराब हो या कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को सीलिएक ही हो, पर सीलिएक में भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे पढ़ते नहीं, ये समझने वाली बात है। ये जेनेटिक, ये पाया गया ऐसा कि जेनेटिक बीमारी, मतलब अगर तुम्हारे पूर्वजों में से किसी को रही है तो तुम्हें हो सकती है, और तुम्हें अगर है तो तुम्हारे आने वाले बच्चों में से किसी को हो सकती है। अच्छा, ये कितने लोगों को है? लगभग 100 में से एक आदमी को ये पाई गई है, लगभग। और भारत में ये उससे भी कम लोगों को होनी चाहिए शायद, क्योंकि भारत में क्या है कि जो गेहूं की रोटी होती है उसको मैं, हम लोग इधर फलका बोल देते हैं, अगर मैं फलका बोलूँ तो समझ आ रहा हूँ गेहूं की रोटी की बात करूँ, तो जो ये फलके होते हैं ना, ये भारत में सैकड़ों सालों से, शायद हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज खाते आ रहे, गेहूं में ग्लूटेन होता है, तो हम इतने सालों से ग्लूटेन खाते आ रहे, हमारे पूर्वजों को कोई दिक्कत नहीं, वो 100-100 साल जी के चले गए, अगर आप भी खाते आ रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप खाना बंद कर दोगे तो हो सकता है आपको बीमारी हो जाए, हमारे पूर्वजों ने खाना बंद नहीं किया, हमने खाना बंद नहीं किया, हम खाए जा रहे हैं। भारत में तो ये एकदम, ये फलके तो कितने सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं, हम खाए जा रहे हैं ग्लूटेन की चीज़ें, तो जब हमारे पूर्वज खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो हमें जेनेटिकली ये बीमारी कैसे होगी, ना उनको होगी ना हमें होगी। और कारण भी हो सकते हैं इस बीमारी के होने के, इन सब ये ग्लूटेन और ग्लूटेन से जुड़ी हुई चीज़ों पर रिसर्च चल रही है, पर मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि जेनेटिकली होने के चांस ना के बराबर है, लगभग सारे भारतीय फलके अपने खाने में रखते हैं, रोटी अपने खाने में रखते हैं, तो ये जेनेटिक वाला फैक्टर हमारे लिए नहीं रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे लिए जेनेटिक वाली चीज़ नहीं होगी। अब तुमने इसे खाना बंद कर दिया तो तुम्हें हो सकता है ये बीमारी हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये, अगर तुमने फलके खाने बंद कर दिए, अगर तुमने रोटी खानी बंद कर दी, तो हो सकता है धीरे धीरे तुमने बहुत लंबे टाइम तक ऐसा किया, कई महीनों या कई सालों तक तुमने ऐसा किया, तो हो सकता है तुम्हें रोटी पचनी बंद हो जाए, और हो सकता है तुम उस ज़िंदगी में तुम वापस रोटी खाओ ही ना, किसी कारण से तुम वापस रोटी खाओ ही ना, लेकिन तुम्हारे बच्चे या उनके बच्चे कभी रोटी खाए तो उन्हें उसके कारण बहुत समस्या हो जाए, उन्हें कभी पता ही नहीं चले। आजकल ऐसा लोग बहुत कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, ये क्या है कि अंग्रेज़ों ने ये बातें फैला दी कि अरे बॉडी बनानी है तो रोटी चावल छोड़ दो, फैट कम करना है रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, मसल बढ़ानी है तो रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तुम अगर ये रोटी खानी छोड़ दोगे, फलके खाने छोड़ दोगे, तो तुम्हें आगे दिक्कत हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, तो खाने मत छोड़ना, ये तो एक बार
इस चीज पे मैं आगे आने वाले कई वीडियोस में बहुत गहरी गहरी बातें बताऊंगा, उनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ इस बीमारी से जुड़ी खास खास बातें कर रहा हूँ। अगर तुम्हें फिर भी शक है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मेरे बच्चे को बीमारी तो नहीं, क्योंकि बढ़ नहीं रहे, कई साल हो गए उतर उतर नहीं रहे, तो इसका एक सीधा साधा टेस्ट होता है, TTGIGA नाम होता है। किसी डॉक्टर से जाकर के बात कर लो, डॉक्टर को दिखा लो, TTGIGA नाम का टेस्ट होता है, वो करवा सकते हो। इस टेस्ट को करवाने से पहले ऐसा कुछ समय तक आपको ग्लूटेन की चीज़ें खाते रहनी चाहिए, ये टेस्ट तब सही रहता है। फिर भी आप ये टेस्टिंग के बारे में आप डॉक्टर से जाकर बात कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात है कि ये तुम्हें टेस्ट कराने की तभी ज़रूरत है जब तुम्हें कोई दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि तुमने ये वीडियो देख लिया तो अरे यार कहीं मेरे को बीमारी तो नहीं है, कहीं मेरे बच्चे को तो बीमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सैकड़ों हज़ारों सालों से खाते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, हम खाते आ रहे हैं, बचपन से पैदा हुए पले बड़े खाते हैं, हमें ऐसी कुछ बहुत कम संभावना है कि भारत में बहुत लोगों को। तो अगर तुम बचपन से खाते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो सोचो। लेकिन तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और तुम ऐसे, ये जो आजकल बाहर फैल रहा है, तुम देख रहे हो आजकल बहुत सारी खाने की चीज़ आती है, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री, नो ग्लूटेन, ग्लूटेन नहीं है इसमें, ग्लूटेन नहीं है, तो लोग पता नहीं खरीदे जा रहे हैं ग्लूटेन फ्री ब्रेड और ग्लूटेन फ्री ये, ग्लूटेन फ्री वो। तो तुम अगर ये बाहर जो लोगों की हवा बनाई है ना, तुम उस चक्कर में पड़ गए और फिर तुमने ग्लूटेन फ्री खाना चालू कर दिया, ग्लूटेन खाना बंद कर दिया, तो तुम्हें बीमारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फलके रोटी खाना बंद नहीं करना, तुम खाना बंद कर दो तो तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है और आगे जाने वाले तुम्हारी पीढ़ियों को, तुम्हारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उन्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर तुम्हें सही में लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए या कुछ कर लेना है, तो तुम टेस्ट करा सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कई सालों से मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या कारण है, क्या कारण है, अगर तुम्हें तुमने डॉक्टर को दिखाया कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम ये टेस्ट करवा के देख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत गहरी बातें करूँगा, मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ ही ग्लूटेन और ग्लूटेन से जुड़ी हुई चीज़ों पर देखना। सिर्फ ये ग्लूटेन और सेहत के बारे में नहीं, बॉडी बिल्डिंग और मसल गेन, फैट लॉस, इन सब से जुड़ी हुई हैं, तो ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगले वीडियो में नमस्कार।